हाँ जी नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की पुनर्गठन में आज़ादी के बाद से लेकर 1956 और 1956 के गठन से लेकर मध्य प्रदेश के सन 2000 तक के पुनर्गठन और पुनर्गठन से वर्तमान स्थिति तक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश की स्थापना को लेकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। और अभी जो 2024 में नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगर हम पुनर्गठन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को पुनर् रूप से कब पदगठित किया गया था, तो वो सन 2000 में किया गया था। तो एक होता है मध्य प्रदेश का गठन जो 1 नवंबर 1956 में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, और सन 2000 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। इसलिए मध्य प्रदेश को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके पूरी स्टडी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पहला हम ये देखते हैं कि 1947 मतलब आजादी के बाद से लेकर 1956 मध्य प्रदेश के गठन तक। तो आजादी के बाद से 1956 तक की मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। और यहां पर यह जानना जरूरी है कि जब हम आजादी से 1956 तक की बात करते हैं तो यहां पर जितने भी राज्य गठित किए गए थे उन सारे राज्यों को ए बी सी और डी श्रेणी में गठित किया गया था, और इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भाग भी आता था। इसमें सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्रोविंस, बरार वगैरह इन सारे क्षेत्रों को शामिल किया गया था। फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि 1956 में मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था, और इस गठन से लेकर हम ये देखते हैं कि पुनर्गठन तक, तो 1956 में मध्य प्रदेश के गठन से लेकर पुनर्गठन तक की क्या स्थिति थी। और तीसरा जो हमें वर्तमान का मध्य प्रदेश दिखता है वो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से लेकर हम वर्तमान स्थिति तक को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश को हमें तीन पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ना है। इसमें पहला पार्ट कहाँ से होगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे तो तीन तरीके का मैप आपको मिलेगा। तो ये मैप है हमारा 1956 से पहले का, इसके बाद का मैप आता है 1956 से 2000 तक का, और फिर हम पढ़ते हैं सन 2000 से वर्तमान स्थिति तक। तो तीन पार्ट में इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट होगा वो 1947 से लेकर 1956 तक। तो 1947 के बाद जब आजादी हुई तो इस आजादी के बाद जो भारत में राज्यों का गठन किया गया था तो वो सारी देसी रियासतों को मर्ज करके पार्ट ए बी सी और डी में किया गया था। तो पूरे भारत के जो राज्यों का वर्गीकरण था वो पार्ट ए बी सी और डी के अंतर्गत था। जो डी वाला पार्ट था, इस डी वाले पार्ट के अंदर अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह के आइलैंड शामिल थे। तो ये सारा पार्ट डी के अंतर्गत था। बाकी के भारत के जो राज्य थे वो पार्ट या तो ए का पार्ट थे, पार्ट बी का पार्ट थे, या पार्ट सी का पार्ट थे। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा भारत तीन पार्ट में डिवाइड था, ए बी और सी। तो पूरा भारत जब पार्ट ए बी और सी में डिवाइड था तो इसी के अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल होगा। तो अब हम मध्य प्रदेश के अंदर भी जब हम शामिल करेंगे तो ये तीन पार्ट ही शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर पार्ट ए भी आएगा, मध्य प्रदेश में पार्ट बी भी आएगा, मध्य प्रदेश में पार्ट सी भी आएगा। लेकिन कभी भी मध्य प्रदेश के अंदर या भारत के किसी भी मुख्य राज्य क्षेत्र के अंतर्गत पार्ट डी को शामिल नहीं करते हैं। तो ये हमें ये समझना है कि ये मध्य प्रदेश के इस मैप के अंदर कौन सा क्षेत्र पार्ट ए है, कौन सा क्षेत्र पार्ट बी है, और कौन सा क्षेत्र पार्ट सी है। तो मध्य प्रदेश का ये जो दक्षिणी पूरा दक्षिण का एरिया था इसे पार्ट ए के नाम से जाना जाता था। इस पार्ट ए का जो गठन किया गया था इसमें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की रियासतों को मिलाकर किया गया था। टोटल 38 रियासतों को यहां पर मिलाया गया। तो पार्ट ए, सॉरी इसकी शायद 15 रियासतें थी इसकी शायद, तो देखेंगे रियासतों को भी। तो इसमें इसको कहा जाता था सीपी एंड बरार। तो सीपी एंड बरार की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए की स्थापना की गई, और इसके अलावा ठीक है शायद 15 ही रही होंगी, सेंट्रल इंडियन प्रोविंस, और ये जो ऊपर का भाग था इसे कहा जाता था पार्ट बी, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 25 रियासतें शामिल की गई थी।
तो इसकी 25 रियासतों को मिलाकर पार्ट बी की स्थापना की गई, जिसे नाम दिया गया सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया के नाम से पार्ट बी की स्थापना की गई, और बीच का जो एरिया था इसे कहा जाता था पार्ट सी। तो सेंट्रल वाला एरिया क्या था? पार्ट सी। और पार्ट सी के इस साइड का जो एरिया था इसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो इसे क्या कहा जाता था? विंध्य प्रदेश, जिसके अंदर 38 रियासतें शामिल थी। और इसका जो इस साइड का एरिया था इसे भोपाल स्टेट के नाम से जाना जाता था, जो केवल एक अपने आप में रियासत थी। तो कुल मिला के यहाँ पर कुछ रियासतों को एकीकृत करके मिलाकर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का निर्माण किया गया। तो हमें याद रखना है, पार्ट ए के अंतर्गत सीपी एंड बरार की रियासतें थी, जिसमें लगभग 15 रियासतें थी। पार्ट बी के सेंट्रल इंडिया की लगभग 25 रियासतें थी, और पार्ट सी के विंध्य प्रदेश की लगभग 38 रियासतें थी, और भोपाल अपने आप में एक यहाँ पर रियासत। तो इस तरीके से 3 पार्ट और 4 प्रांतों में मध्य प्रदेश को वर्गीकृत किया गया था। अब हम इन प्रांतों के बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी करके देखते हैं। तो अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए कौन सा कहलाएगा हमारा? तो ये नीचे वाला जो एरिया था ये किस नाम से जाना जाएगा? पार्ट ए, जिसे हम सीपी एंड बरार के नाम से जानते हैं। इसमें अगर हम सीपी और बरार की बात की जाए तो 1861 में सीपी की स्थापना हुई थी, और 1936 में लगभग बरार प्रांत की स्थापना की गई थी। इन दोनों ही क्षेत्रों को बाद में पार्ट ए में 47 के बाद मर्ज करके पार्ट ए की स्थापना की गई। फिर आपसे पूछा जाता है कि इस क्षेत्र की राजधानी क्या थी? तो इस क्षेत्र की राजधानी थी नागपुर, क्योंकि दक्षिण वाला एरिया, तो यहीं पर इसकी राजधानी क्या मिल जाएगी हमें? नागपुर। फिर आता है कि इस क्षेत्र के जो सीएम थे या प्रथम राज प्रमुख थे वो कौन थे? तो रवि शंकर शुक्ल इसके प्रमुख सीएम बनाए गए, और इसके जो राज प्रमुख थे या गवर्नर थे वो थे राघवेंद्र राव। तो ये 3-4 चीजें हमें केवल यहाँ पर याद रखनी होती हैं। तो पार्ट ए के अंदर था सीपी एंड बरार का क्षेत्र। इस सीपी एंड बरार की लगभग 15 रियासतें थी, जिसका निर्माण सेंट्रल प्रोविंस वाले क्षेत्र का निर्माण 1861 में हुआ था, और बरार क्षेत्र का निर्माण हैदराबाद से सेपरेट करके 1936 में हुआ था। बाद में दोनों को मिलाकर पार्ट ए का हिस्सा बना दिया गया। कैपिटल इसकी नागपुर थी, सीएम जो थे इसके वो थे रविशंकर शुक्ल, और जो इसके राज प्रमुख या गवर्नर कह सकते हैं वो बनाए गए थे राघवेंद्र राव। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक पूरी स्टेट टाइप का था, अभी मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी ये पूरे का पूरा पार्ट एक स्टेट टाइप हम कह सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट बी में जो बनाया गया ये था पार्ट बी। तो पार्ट बी की जो कैपिटल थी, तो पार्ट बी की दो कैपिटल थी, एक कैपिटल यहां पर थी इंदौर और एक कैपिटल थी यहां पर ग्वालियर। तो ग्वालियर और इंदौर इसकी दो कैपिटल बनाएगी, और जो इसके पहले सीएम बनाए गए थे वो थे लीलाधर जोशी। तो इसके पहले सीएम कौन थे? लीलाधर जोशी, और तख्तमल जैन इसके पहले गवर्नर बनाए गए थे। तो गवर्नर कौन थे? तख्तमल जैन, और सीएम कौन थे? लीलाधर जोशी। इसके निर्माण 1948 में 25 रियासतों के साथ हुआ था। तो स्थापना कब हुई थी सेंट्रल इंडिया के? 1948 में 25 रियासतों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी, और कैपिटल इसकी दो थी, एक कैपिटल थी ग्वालियर और दूसरी कैपिटल बनाया गया था इंदौर। तो विंटर कैपिटल ग्वालियर थी, और समर कैपिटल मतलब जो गर्मी लगती थी तो मालवा की प्रसिद्ध जलवायु के अंदर चले जाते थे, ठंड लगती थी ग्वालियर की गर्मी के अंदर आ जाते। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, सीएम कौन थे? पंडित लीलाधर जोशी, और गवर्नर कौन थे? तख्तमल जैन। तो इस तरीके से आपको ये पार्ट बी के बारे में याद रखना है। अगर हम यहाँ पर पार्ट सी की बात करें कि पार्ट सी के अंदर कौन कौन क्षेत्र आते हैं, तो पार्ट सी के अंदर दो क्षेत्र आते हैं। इस साइड वाले क्षेत्र को बोलते थे विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश की जो राजधानी बनाई गई थी वो रीवा को बनाया गया था। तो विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा। विंध्य प्रदेश की स्थापना 1948 में की गई थी, ठीक है, जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतें शामिल थी, और 1950 में इसे विंध्य प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इस क्षेत्र के जो पहले सीएम बनाए गए थे, तो इस क्षेत्र के जो पहले सीएम थे वो थे शंभुनाथ शुक्ल, और यहाँ के शंभुनाथ शुक्ल से पहले, तो यहाँ पर देखेंगे तो 48 मर्जिंग द प्रिंसेस स्टेट ऑफ द बघेलखंड एंड बुंदेलखंड, विंध्य प्रदेश स्टेटस वाज गिवन 1 जनवरी 1950। राजधानी रीवा थी, सीएम कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल, जो 1952 में बने थे, और इससे पहले यहाँ पर गवर्नर की तरह ये कह सकते हैं कि एक राज प्रमुख के रूप में थे
जो पहले से थे, तो इनसे पहले मतलब सीएम बनने से पहले जो राज प्रमुख थे वो महाराज मार्तंड सिंह देव थे। तो मार्तंड सिंह देव इसके पहले राज प्रमुख थे, उसके बाद शंभुनाथ शुक्ल को 1952 में इस प्रांत का या इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इस तरीके से आपको पार्ट सी याद रखना है। अगर हम पार्ट डी की बात करें, या डी तो सॉरी होगा नहीं, तो पार्ट सी के अंदर ही इस साइड का जो क्षेत्र था वो था भोपाल। तो भोपाल की स्वयं अपने आप में रियासत थी और इसकी कैपिटल भी क्या थी, भोपाल, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया था, प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल आंदोलन के प्रयासों से ही 1949 में भोपाल की स्थापना की गई थी। और इसके पहले जो सीएम बनाए गए थे वो 1952 के पहले आम चुनाव के बाद बनाए गए थे, जिनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा 1952 में पहले आम चुनाव में इसके सीएम बनाए गए। तो ये हमें भोपाल रियासत के बारे में याद रखना है। तो ये हमारे चार पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को चार तीन स्टेट में डिवाइड किया था, ए बी और सी। ए के अंतर्गत जो पार्ट आता था वो था मध्य भारत का पार्ट, बी के अंतर्गत जो पार्ट आता था वो था सीपी एंड बिरार का पार्ट, और पार्ट सी के अंदर दो आते थे, एक आता था विंध्य प्रदेश और दूसरा इसके अंतर्गत आता था भोपाल। क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद मध्य भारत की जो स्थापना थी वो 1948 में की गई थी, सीपी एंड बरार में। सीपी की स्थापना 1861 में और इसकी स्थापना 1936 में कर दी गई थी। विंध्य प्रदेश की स्थापना भी 1950 लिख सकते हैं मोटा मोटा, और भोपाल की स्थापना 1949 में की गई थी। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसकी कैपिटल क्या थी। तो मध्य भारत की जो कैपिटल थी वो ग्वालियर और इंदौर को बनाया गया था। सीपी एंड बरार की जो कैपिटल थी वो रीवा बनाई गई थी। सीपी एंड बरार की कैपिटल नागपुर को बनाया गया था। विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो रीवा थी और भोपाल की राजधानी भोपाल ही बनाई गई थी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके सीएम पूछे जाते हैं, तो यहां पर जो सीएम थे वो थे रविशंकर शुक्ल। सीपी एंड बरार के जो सीएम बनाए गए थे, सीपी एंड बरार के जो सीएम थे वो शायद कंफ्यूजन हो गया, तो पार्ट एक के नहीं, सीएम में कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो दोबारा से देखें, तो सीएम जो पार्ट बी के थे वो थे रविशंकर शुक्ल, ठीक है। और यहां पर जो बनाए गए थे वो थे लीलाधर जोशी। और ये चेंज कर लेना, ये पार्ट बी होगा और ये पार्ट ए होगा, उल्टा हो गया था थोड़ा, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। तो पार्ट बी मध्य भारत था, सीपी एंड बरार का जो पार्ट था वो पार्ट ए था, इसलिए यहां पर सीएम में कंफ्यूजन। पार्ट बी मध्य भारत, सीपी एंड बरार पार्ट ए था। तो लीलाधर जोशी यहां पर पार्ट बी के थे, रविशंकर यहां पर थे। विंध्य प्रदेश के थे वो थे शंभुनाथ, और भोपाल के जो बनाए गए थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरे का पूरा यहाँ पर एक तरीके से रियासतों के बारे में कहानी कंप्लीट होती है। अब क्या होता है यहाँ पर, जब ये सारी चीजों का एकीकरण किया गया, अब हम पढ़ते हैं कि 1956 से 2000 तक की स्थिति क्या थी। तो 1956 से 2000 तक का मध्य प्रदेश हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। अब क्या हो गया कि जब देश की आजादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी, और इस भाषाई आधार पर जब राज्यों की मांग उठी तो इसमें भाषाई आधार पर राज्यों की मांग करने वाला पहला जो राज्य था, तो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की गई, लेकिन लंबे समय तक ये 1953 में जाकर आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया जाता है, जिसका कारण था 1953 से पहले पोट्टाभी रमालू की 53 दिन के भूख हड़ताल के बाद मृत्यु होना। उसकी डेथ के बाद ही क्या किया गया, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। जैसे ही भाषा के आधार पर राज्य प्रदेश आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो अन्य राज्यों में भी मांग उठने लगी, तो अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर मांग कर दी। इन चीजों को सॉल्व करने के लिए
एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के आधार पर ही आगे चलकर मध्य प्रदेश और भारत के राज्यों का गठन किया गया। और इस गठन के अंदर जो सेक्शन था, मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो सेक्शन 9 के तहत हुई थी। इस कमीशन की जो स्थापना हुई थी या इसको बनाया गया था 1956 में, और इसने त्रेपन में, और इसने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी वो 1956 में पेश की थी। ठीक है, के एम फणीकर, हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य मेंबर थे। तो ये फजल अली की अध्यक्षता में गठित एक आयोग था जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत के सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया या गठन किया गया, और उसी में नवंबर 1, 1956 को सेक्शन 9 के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया। अब हमें ये देखना है कि 1 नवंबर 1956 को सेक्शन 9 के तहत मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से किया गया था। तो 1956 के फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये 1947 से 56 तक का मैप था, और इस मैप को परिवर्तित करके इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हमारा 1956 का मैप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की काफी ज्यादा रियासतें शामिल थी। तो अभी इसके अंदर क्या था, महाराष्ट्र का एरिया भी शामिल है, कुछ राजस्थान का बेल्ट भी शामिल है, महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बाकी सबको काटा छाटा गया, और इस तरीके से मध्य प्रदेश का एक नया नक्शा सामने आता है। इसमें क्या किया गया कि जो पार्ट ए था हमारा, यहां पर पार्ट बी था, तो सेंट्रल एंड सीपी एंड बरार की 15 रियासतें, यहां पर सीपी और बरार की 15 रियासतें, सेंट्रल इंडिया की 25 रियासतें, विंध्य प्रदेश की 38 रियासतें, और एक अपने आप में थी भोपाल रियासत। तो इन सारी रियासतों को एकीकृत किया गया और एकत्रित करके 79 रियासतें, तो मध्य प्रदेश के अंदर कितनी रियासतों को शामिल किया गया, तो इन चारों प्रांतों की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। बाकी जो बचा हुआ एक्स्ट्रा क्षेत्र था वो अन्य राज्यों के साथ सीमा परिवर्तन किया गया। तो ये 79 रियासतें मध्य प्रदेश में जब शामिल कर ली गई, इसके बाद क्या हुआ, कुछ सीमा परिवर्तन किए गए। तो सीमा परिवर्तन के अंदर आपको दो परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है। तो एक तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा था जो महाराष्ट्र की सीमा के साथ लगा हुआ था, तो महाराष्ट्र के वो क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के साथ लगे हुए थे, तो उस क्षेत्र की 8 जिलों को महाराष्ट्र के अंदर शामिल कर लिया गया। तो इस क्षेत्र के साथ इस वाले सेक्शन के अंदर जो 8 जिले आते थे, इन 8 जिलों को उस समय इसे बंबई प्रांत कहा जाता था, बंबई या वर्तमान का महाराष्ट्र कह सकते हैं। तो इन 8 जिलों को बंबई प्रांत के अंतर्गत शामिल कर लिया। अब ये 8 जिले कौन कौन से थे, अगर इन 8 जिलों की बात करें तो पहला जिला मिलता है चांदा, चांदा के ऊपर जाएंगे तो भंडारा, भंडारा के पास में जाएंगे तो नागपुर, नागपुर से आगे जाएंगे तो वर्धा, वर्धा के आगे जाएंगे तो यवतमल, यवतमल के आगे जाएंगे तो अमरावती, फिर अकोला और फिर बुलडाना। तो इन 8 जिलों को मिलाकर किसमें शामिल कर दिया गया, बंबई प्रांत के अंदर शामिल किया गया। तो पहला जो परिवर्तन हमें यहां पर देखने को मिलता है, तो पहला परिवर्तन आपको याद रखना है, द 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पार्ट ए, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलडाना, यवतमाला, नागपुर, वर्धा, चांदा एंड इंक्लूडेड इन बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे स्टेट मींस महाराष्ट्र। तो इन 8 क्षेत्रों को किसे दे दिया गया, तो ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए थे, लेकिन अब वर्तमान में ये कहां चले गए, महाराष्ट्र स्टेट का पार्ट बन चुके थे। दूसरा जो परिवर्तन यहां पर देखने को मिलता है, राजस्थान का जो सिरोंज था, इस सिरोंज का विस्तार मध्य प्रदेश के विदिशा तक हुआ करता था, तो इस सिरोंज को यहां से हटा दिया गया, और हटाने के पास इसे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का पार्ट बनाया गया। तो दूसरा जो परिवर्तन हमें एक देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि राजस्थान के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। दूसरा यहां पर क्या होता है कि मंदसौर जिले का, जो मंदसौर जिला है, तो इस मंदसौर जिले की भानपुरा, तो मंदसौर जिले की भानपुरा की एक तहसील थी जिसका नाम था सुनील टप्पा, तो इस सुनील टप्पा तहसील को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। तो हमने राजस्थान से लिया क्या, हमने राजस्थान से लिया
सिरोंज तहसील को, राजस्थान को दिया क्या? हमने राजस्थान को दिया सुनील टप्पा का क्षेत्र, तो ये बाय वन गेट वन का क्षेत्र हो गया। तो एक क्षेत्र हमने राजस्थान से लिया सिरोंज वाला, और बदले में राजस्थान को सुनील टप्पा जो भानपुरा के अंतर्गत आता था वो हमने राजस्थान को दे दिया। महाराष्ट्र जिले के अंतर्गत 8 जिलों को हमने शामिल किया, तो ये सारा सीमा परिवर्तन किया गया और 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो ये सारा काम धाम करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, फाइनली 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है और एक नया मध्य प्रदेश हमारे सामने देखने को मिलता है। सारी चीजें यहां से कट जाएंगी, केवल मध्य प्रदेश का ये वाला मैप हमें दिखाई देगा जिसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र शामिल है और इधर से अभी केवल छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट शामिल है। तो ये सारी चीजें करने के बाद फाइनली मध्य प्रदेश के अंदर 7 संभाग बनाए गए। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र के अंतर्गत जो संभाग आते थे वो कितने संभाग थे? तो टोटली यहाँ पर 7 संभाग आए, और जिलों की बात की जाए तो टोटल 43 जिले थे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर टोटल 7 संभाग थे, जिसमें 5 संभाग मध्य प्रदेश वाले बेल्ट के अंतर्गत थे, 2 संभाग हमारे छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट के अंतर्गत थे। टोटल बनाए गए 43 जिले, और इस समय मध्य प्रदेश का जो एरिया था वो 3,43,00,000 स्क्वायर किलोमीटर था। तो 3.43 लाख स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का टोटल एरिया था, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, इसके बाद नंबर आता था राजस्थान का। यहां पर याद रखना है कि जो टोटल 43 जिले बने हुए थे, इन 43 जिलों में 37 जो जिले थे, 37 डिस्ट्रिक्ट थी, वो मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में यहां पर बनाई गई थी, और जो बची हुई 6 डिस्ट्रिक्ट थी वो छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट के अंतर्गत बनाई गई। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में टोटल 43 जिले थे, केवल मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत 37 जिले थे, और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर 6 जिले शामिल किए गए थे। तो ये था 1 नवंबर 1956 की कहानी, लेकिन जिलों की संख्या काफी कम थी। अब इसके बाद नए जिलों का फॉर्मेशन स्टार्ट किया जाएगा, तो अब हमें देखना है कि ये 43 से किस तरीके से 61 जिलों में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि 1956 में जो जिले थे वो हमारे पास 43 थे। इसके बाद ये जिले बढ़ेंगे सन 2000 तक पहुंच जाएगी संख्या 61, और वर्तमान तक ये संख्या हो जाएगी हमारी पुनः कन्वर्ट होके 45। तो हमें सफर तय करना है कि ये 43 जिलों से किस तरीके से 61 जिलों में कन्वर्ट हुआ, और फिर 61 से किस तरीके से हमारे 45 जिलों में कन्वर्ट हो गया। तो इस पूरी हिस्ट्री को हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, और एक एक जिले को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये देखते हैं, देखो एक बार में पूरे का पूरा ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूं कि 1956 के बाद कौन कौन से जिले गठित किए गए थे, फिर उन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे 1972 में भोपाल जिले का गठन किया गया, कैसे किया गया, कब किया गया, वो सारा डिटेल से पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं केवल मध्य प्रदेश वाले बेल्ट का। तो 37 जिले मध्य प्रदेश के पास ऑलरेडी थे। उसके बाद 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल का गठन किया गया। इसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश में 4 जिलों का गठन किया गया, जिसमें मई 1998 में श्योपुर का गठन किया गया मुरैना से अलग कर, बड़वानी का गठन किया गया खरगोन से अलग करके। इसके बाद यहां पर जाएंगे तो डिंडोरी मंडला से अलग होगा, और यहां पर कटनी जबलपुर से अलग होगा। तो 4 जिले बनाए गए मई 1998 में। इसके बाद जून 1998 में मध्य प्रदेश में पुनः 3 जिलों का गठन किया गया। इन 3 जिलों के अंतर्गत जाए तो यहां पर मिलता हरदा जून 1998, नीमच जून 1998, और उमरिया जून 1998। तो मई 1998 में 4 जिले बनाए गए, जून 1998 मध्य प्रदेश में 3 जिले बनाए गए, और 1971 में, तो देखो पहले थे हमारे पास टोटल 37 जिले, 71 में एक जिला ऐड हुआ, 1971 में एक जिला ऐड हुआ, फिर 1998 में 98 के मई में यहां पर टोटल 4 जिले ऐड हुए, फिर 1998 के जून में यहां पर हमने कितने जिले ऐड किए, 4 जिले यहां पर ऐड किए। तो इस तरीके से 98 तक के जिले हमने ऐड किए। इन जिलों को ऐड करने के बाद अगर हम जाएंगे तो फिर
अशोक नगर की स्थापना होती है 2003 में, 15 अगस्त 2003 को अशोक नगर की स्थापना की जाती है, 15 अगस्त 2003 को ही बुरहानपुर की स्थापना की जाती है और 15 अगस्त 2003 को ही अनूपपुर की स्थापना की जाती है। तो तीन जिले हमारे और ऐड कर लिए गए, तो तीन जिले ऐड किए गए कब, 2003 में। इसके बाद 2008 में 17 मई 2008 को अलीराजपुर की स्थापना होती है और 24 मई 2008 को सिंगरौली की स्थापना होती है। तो हम ये कह सकते हैं 2008 में दो जिले और ऐड कर लिए गए। इसके बाद आगर मालवा की स्थापना 16 अगस्त 2013 को की गई, निवाड़ी की स्थापना 2018 को की गई। तो इस तरीके से एक जिला ऐड होगा 2013 में और एक जिला ऐड हो जाएगा 2018 में। तो इनको देख लेते हैं, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो अभी तक जो टोटल हो चुके हैं वो हमारे 53 जिले यहां पर बन चुके हैं। अब और कौन से जिले हुए थे, तो यहां पर सॉरी 52 होंगे ये टोटल, तो 52 जिलों का यहां पर निर्माण किया जाएगा। तो 52 जिलों के बाद तीन जो नए जिले स्टार्ट होते हैं, तीन नए जिलों के अंदर 53वां जिला बनाया जाता है पांडुर्ना को, 54वां जिला बनाया जाता है यहाँ पर मऊगंज को और 55वां जिला बनाया जाता है मैहर को। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 55 जिलों की कहानी कंप्लीट होती है। ये एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में 55 जिलों का गठन किया गया था। इसको मैं दोबारा से फिर पढ़ाऊंगा एक बार इस स्लाइड को। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में पढ़ते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 1956 के बाद कौन कौन से नए जिले गठित किए गए थे। तो 1956 के बाद गठित होने वाला पहला जिला था भोपाल, जिसकी स्थापना का नोटिफिकेशन 13 सितंबर 1972 को आया था और 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल की स्थापना की गई थी। अब देखो भोपाल के बारे में एक चीज देखोगे तो भोपाल 1949 में प्रजामंडल की सिफारिशों के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित था। इसके बाद 1956 में भोपाल को सीहोर जिले की तहसील बना दिया गया था। तो ये क्या बन चुका था, सीहोर की तहसील बन चुका था। अब सोचो कि एक राज्य को बना दिया गया तहसील और उसके बाद 1972 में ये बन जाता है एक डिस्ट्रिक्ट। तो पहले प्रमोशन हुआ कि एक पूरे रियासत या एक जिले के रूप में या एक बड़े राज्य के रूप में भोपाल की स्थापना हुई, फिर इसका डिमोशन हो गया और इसे सिरोंज सीहोर जिले की एक तहसील बना दिया गया और 1972 में फिर से इसे एक राज्य का सॉरी जिले का दर्जा दिया गया। तो नोटिफिकेशन आया था 13 सितंबर 1972 को और फॉर्मेशन किया गया था 2 अक्टूबर 1972 को। तो ये मध्य प्रदेश वाले बेल्ट के अंतर्गत गठित होगा। तो भोपाल की जो स्थापना होगी वो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र के अंतर्गत होगी। अभी तक मध्य प्रदेश के अंतर्गत 37 जिले थे, 6 जिले हमारे यहाँ पर थे, टोटल हमारे पास 43 जिले थे। तो इसका मतलब है कि ये सीहोर जिले से बाहर निकालकर बनाया जाएगा भोपाल। तो ये 37 के बाद हो जाएगा हमारा 38 नंबर का जिला। तो यहाँ पर 38वां नंबर हो जाएगा और 6 के बाद 7वें नंबर का जो जिला हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, हो जाएगा राजनांदगांव। क्लियर हो गया। तो राजनांदगांव को दुर्ग जिले से विभाजित करके बनाया गया था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं 1956 के 43 जिलों के बाद दो नए जिलों का गठन किया गया। तो टोटल जिले कितने हो गए, तो 1956 में हमारे पास जो जिले थे वो 43, अब इसमें दो नए जिले ऐड किए गए। तो दो नए जिले ऐड हुए तो टोटल मध्य प्रदेश के अंदर जो जिले होंगे वो होंगे हमारे पास 45। तो 43 के सफर से स्टार्ट होता है, दो जिले ऐड होते हैं और जिलों की संख्या टोटल ओवरऑल पहुंचती हमारी 45। कई बार मध्य प्रदेश स्पेशल नंबर आपसे पूछता है तो हम 38 नंबर बोल सकते हैं। इसके बाद मई 1998 में नई राज्यों के गठन को लेकर एक कमीशन की स्थापना की गई, जिसका नाम था बी आर दुबे कमेटी की स्थापना लगभग आपकी 92-93 के लगभग हो चुकी थी, लेकिन इसके फाइनल जो रिकमेंडेशन थे, जो इसकी सिफारिशें थी, वो मई 1998 में आई थी। मई 1998 में बी आर दुबे कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 10 जिलों के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया गया। इन 10 जिलों के अंतर्गत 4 जिले मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र के अंतर्गत गठित होने थे और इसमें से जो बचे हुए 6 जिले थे वो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत गठित होने। जैसे हमारे शुरू में यहाँ पर 37 जिले थे, तो 37 से एक जिला हमने ऐड कर लिया कब,
1972 में, अब चार जिले यहां पर और ऐड हो जाएंगे, तो 37 और 31, 39, 40, 41, 42, तो मध्य प्रदेश के क्रम में टोटल 42 जिले हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में टोटल 6 जिले थे, एक जिला फिर ऐड किया गया तो 7 हो गए थे, 7 में 6 और ऐड हो जाएंगे तो टोटल 13 जिले इस साइड हो जाएंगे और 42 जिले हमारे टोटल इस साइड हो जाएंगे। तो 42 और इसको ऐड करोगे तो हमारे पास टोटल जिलों की संख्या हो जाएगी 55। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास 43 जिले थे, 2 प्लस किए तो यहाँ पर जिलों की संख्या हो गई थी 45, अब इसमें 10 ऐड करेंगे तो जिलों की संख्या हो जाएगी 55। तो बी आर दुबे कमेटी की सिफारिशों पर कितने जिलों का गठन किया गया, हम कह सकते हैं कि 10 जिलों का गठन किया गया, जिसमें 4 जिले मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत थे, 6 जिले छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत थे, तो 10 जिले और ऐड होंगे तो जिलों की टोटल जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 55। लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये जो 4 जिले बनाए गए थे, ये 4 जिले कौन कौन से बनाए गए थे। तो इन 4 जिलों के अंदर देखा जाए तो इसमें एक जिला बनाया गया था श्योपुर, तो श्योपुर को किससे अलग करके बनाया गया होगा, मुरैना से। तो श्योपुर की जो स्थापना हुई थी वो मुरैना से विभाजित करके की गई थी। इसके बाद जो दूसरा जिला आता है वो यहां पर बड़वानी बनाया जाएगा, बड़वानी की जो स्थापना थी वो खरगोन से अलग करके बनाई गई थी। इसके बाद जो जिला गठित किया जाता है वो है हमारा डिंडोरी, डिंडोरी की स्थापना मंडला जिले से अलग होकर होगी और इसके बाद बनाया जाता है कटनी। तो ये 4 जिले गठित किए जाते हैं, 2, 3 और 4, तो ये जबलपुर से अलग करके बनाया जाएगा। तो ये 4 जिले कब बनाए गए थे, मई 1998 में, जिसमें याद रखेंगे श्योपुर की स्थापना मुरैना जिले से अलग करके की गई थी, बड़वानी जिले की स्थापना खरगोन जिले से अलग करके की गई थी, डिंडोरी जिले की स्थापना मंडला जिले से अलग करके की गई थी और कटनी जिले की स्थापना जबलपुर जिले से सेपरेट करके की गई थी। तो टोटल मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर हम देखेंगे 4 जिलों का गठन होता है और जिलों की टोटल संख्या हमारी पहुंच चुकी थी 55। इसके बाद जून 1998 में सिंह देवी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, या सिंह देव कमेटी कह सकते हैं कि सिंह देव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर टोटल 6 जिलों का गठन किया गया, जिसमें से 3 जिले मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र के अंतर्गत गठित थे और 3 जिले छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत गठित थे। तो 3 जिले यहां पर बनाए गए थे और 3 जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए थे। तो अब हमें ये देखना है कि कितने, तो 98 में, तो पहले मई 1998 में 10 जिले बनाए गए तो जिलों की संख्या हो गई 55। अब जून 1998 में 6 जिले बनाए जाएंगे तो जिलों की संख्या हो जाएगी 61। तो 1998 तक मध्य प्रदेश के अंदर टोटल जिलों की संख्या थी 61, जिसमें छत्तीसगढ़ भी अभी याद रखना शामिल रहेगा। अब ये 3 जिले कौन कौन से थे, इनको एक बार देख लेते हैं। यहां पर इन 3 जिलों की बात करें तो इसमें एक जिला मिलता है यहां पर हमें, नीमच। तो नीमच की स्थापना किससे अलग की गई होगी, इसी के नीचे मिलता हमें मंदसौर, तो नीमच की स्थापना मंदसौर जिले से अलग करके की गई थी। इसके बाद हमें मिलता हरदा, हरदा की स्थापना होशंगाबाद से अलग करके की गई थी और इसके बाद हमें मिलता उमरिया, जिसकी स्थापना शहडोल जिले से अलग करके हुई थी। तो इस प्रकार ये 3 जिले यहां पर गठित किए जाते हैं मध्य प्रदेश वाले सिंह देव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। तो मध्य प्रदेश के अंदर नीमच, हरदा और उमरिया टोटल संख्या हो जाती है 61। अब यहां पर समझे जरा, तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल जिले कितने हो चुके हैं हमारे, 61 जिले। एक बार इन 61 जिलों के बारे में समझ लें, इन 61 जिलों की संख्या कैसे बढ़ी, तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश के पास टोटल 43 जिले थे। इन 43 जिलों के में 2 जिले ऐड किए गए थे, कब, 1972 में। फिर 10 जिले ऐड हुए थे मई 1998 में। फिर 6 जिले ऐड हुए थे जून 1998 में। तो 43 से 2 हुए तो 45 हो गया, 45 से 10 55, 55 और 6 61। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसमें टोटल जिलों की संख्या हो चुकी थी 61। अब क्या होता है कि मध्य प्रदेश में एक बिल पास किया जाता है जिसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की सिफारिशों के आधार पर या के प्रावधानों के आधार पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया।
लेकिन यहां पर हमें यह समझना है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन का जो अधिनियम था यह कब आया था और कैसे पास हुआ था। तो ये अधिनियम सबसे पहले एक बिल के रूप में यहां पर पेश किया जाएगा, तो सबसे पहले विधेयक पेश किया जाएगा। तो ये विधेयक सबसे पहले पेश किया गया था 31 जुलाई 2000 को लोकसभा के अंदर। लोकसभा ने जब इस बिल को पास कर दिया, लोकसभा से जब ये बिल पास हो गया, तो लोकसभा से बिल पास होने के बाद जाता है राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 में। तो 9 अगस्त 2000 को ये बिल राज्यसभा के अंदर चला जाता है और इस राज्यसभा से पास होने के बाद ये बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है 25 अगस्त, और यहां के बाद ये बन जाता है एक एक्ट। तो यहां पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक एक्ट के रूप में शामिल होगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो किस तरीके से ये बिल पेश किया गया, ये 1956 का मध्य प्रदेश था जिसके अंदर टोटल 61 जिले थे। तो इसके अंदर टोटल 61 जिले थे और इन जिलों से ही हमारा नया मध्य प्रदेश, तो 1956 के मध्य प्रदेश से हमारा नया मध्य प्रदेश बनकर आ गया सन 2000। तो ये 1956 का मध्य प्रदेश और इसी से अलग हुआ था हमारा 2000 का मध्य प्रदेश, मतलब इसमें से छत्तीसगढ़ शामिल नहीं रहेगा। कुछ और चीजें हम यहां पर समझ सकते हैं इसी रीऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत। यहां से पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट कौन थे उस समय भारत के, तो हम कह सकते हैं K.R. नारायण, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, मध्य प्रदेश के CM दिग्विजय सिंह थे और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो थे महावीर भाई। तो ये चार पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल बॉडीज को भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय, क्योंकि राष्ट्रपति की साइन के बाद ही राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा, पॉलिटी के आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हो। तो ये फाइनली बिल पार्लियामेंट के पास ही पास होता है, इसलिए प्रेसिडेंट हमें पता होना चाहिए कि किस प्रेसिडेंट ने साइन किया था, K.R. नारायण। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमारा जो प्राइम मिनिस्टर, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी और मध्य प्रदेश राज्य में गठन किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से जो सीएम थे वो थे दिग्विजय सिंह और इस समय हमारे जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वो थे भाई महावीर। तो ये चार लोगों को भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या क्या चीजें थी इससे पहले की कहानी को एक बार समझ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में हम देख चुके थे कि 1956 में 37 जिले मध्य प्रदेश में बनाए गए थे और 6 जिले हमारे छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट के अंतर्गत बनाए गए थे। फिर 1972 में एक जिला जिसे हम भोपाल के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में ऐड हुआ था, और एक डिस्ट्रिक्ट जिसे हम राजनंदगांव के बारे में जानते हैं, तो राजनंदगांव हमारा छत्तीसगढ़ में ऐड किया गया था। फिर जो मई 1998 को टोटल 10 जिले बनाए थे जिसमें 4 जिले मध्य प्रदेश में बने थे और 6 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बनाए गए थे। इन 4 जिलों के नाम हम पढ़ चुके हैं जिसमें श्योपुर शामिल था, बड़वानी शामिल था, ठीक है, और डिंडोरी और उमरिया, ये 4 जिले शामिल थे। इसके बाद जून 1998 में 3 जिले मध्य प्रदेश के अंतर्गत बनाए गए थे जिसमें नीमच शामिल था, हरदा शामिल था और अनूपपुर ही शामिल था, ठीक है, नीमच, उमरिया और हरदा, ये 3 जिले शामिल थे आपके 3 में, और 3 जिले यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बनाए गए थे। तो इस तरीके से टोटल मध्य प्रदेश के अंदर जो जिले बन चुके थे वो थे 45 और छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट के अंतर्गत टोटल जिले बन चुके थे 61। अगर इन दोनों जिलों का टोटल किया जाए तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 61 जिले थे 1956 की स्थिति तक। अब जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को विभाजित किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि इस साइड जो 16 जिलों का निर्माण किया गया है, तो इस साइड में है हमारे टोटल 16 जिले और ये 6 से स्टार्ट हुए थे, 6 से बढ़कर 16 हो गए, ये आपके 37 से स्टार्ट हुए थे तो 37 से बढ़कर ये 45 हो गए। तो इस क्षेत्र में 45 जिले थे, इस क्षेत्र के अंतर्गत 16 जिले थे। तो यहाँ पर टोटल 47 और 16 को ऐड करेंगे तो 61 जिले होंगे। लेकिन अब आप ये देखें कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाएगा तो 16 जिले जो छत्तीसगढ़ के थे वो छत्तीसगढ़ के पास चले जाएंगे, तो मध्य प्रदेश के पास जो बचे हुए जिले बचेंगे वो है हमारे 45 जिले। तो 45 वही जिले यहाँ पर आएंगे जो गठित किए गए थे और यहाँ पर वही 16 जिले आएंगे जो नवगठित किए गए थे। तो टोटल जिले हमारे पास मध्य प्रदेश में जो बचेंगे वो है 45 जिले। तो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, हम कहेंगे 45 जिले, और कितने जिले छत्तीसगढ़ को दिए गए थे, हम कहेंगे 16 जिले।
अब 45 तक का सफर क्लियर हुआ, तो हमने कहां से सफर एंड किया था? तो हमारा जो सफर स्टार्ट हुआ था वो 43 जिलों से हुआ था, तो 43 से किस तरीके से 61 तक का हमने सफर तय किया, ये चीजें क्लियर हो गई। अब 61 से हमारे पास हो चुके हैं 45 जिले, अब 45 से हमें जो जाना है वो फिर से 55 जिलों का सफर तय करना है। तो 43 से 61 का सफर और 61 से फिर 45 का सफर हमने देखा, और अब 45 से हमें सफर तय करना है 55 जिलों का, एक नए मध्य प्रदेश का सफर यहां से शुरू होगा। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का फाइनल मैप नवंबर 1956 के बाद 2000 में बना हुआ मैप। तो टोटल 45 जिले थे। सबसे पहले 15 अगस्त 2003 को 3 जिलों का निर्माण किया जाता, इसमें एक जिला बनता है यहां पर बुरहानपुर। बुरहानपुर को किससे अलग किया जाएगा? खंडवा जिले से। एक जिला बनाया जाता यहां पर अनूपपुर, जो शहडोल जिले से विभाजित किया जाएगा, और एक जिला बनाया जाता यहां पर अशोकनगर, जिसे गुना जिले से विभाजित किया जाएगा। तो 3 जिले यहां पर बनाए गए, बुरहानपुर ठीक है खंडवा जिले से विभाजित करके बनाया गया, अशोकनगर सीहोर जिले से सेपरेट करके बनाया गया, और अशोकनगर को गुना जिले से सेपरेट करके बनाया गया। तो टोटल 3 जिले यहां पर गठित होंगे, 46 47 और 48। तो मध्य प्रदेश के अंदर जिलों की कुल संख्या पहुंच जाएगी हमारी 48। वर्ष 2008 में 2 जिले और गठित किए जाएंगे, जिसमें एक जिला पश्चिमी भाग में ऐड किया जाएगा और एक जिला पूर्वी भाग में ऐड किया जाएगा। तो 17 मई 2008 को स्थापना होती है अलीराजपुर की, झाबुआ जिले से अलग करके, और 24 मई 2008 को स्थापना होती है सिंगरौली की, सीधी जिले से ऐड करके। तो 2 जिले यहां पर 2008 में बनाए गए। तो 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ जिले से सेपरेट करके बनाया गया, और 24 मई 2008 को सीधी जिले से सेपरेट करके किसकी स्थापना की गई? तो 2 नए जिले बनाए गए, एक बनाया गया अलीराजपुर और एक बनाया गया यहां पर सिंगरौली। तो पहले थे 48 जिले, 49 और 50। तो 49वें नंबर का जो जिला होगा वो हमारा हो जाएगा यहां पर अलीराजपुर, और 50वें नंबर का जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगरौली। तो टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इन 50 जिलों के बाद जो जिलों की स्थापना होती है वो 16 अगस्त 2003 को 3 जिलों का गठन किया जाता। तो 16 अगस्त 2003 को, सॉरी 3 जिले नहीं आएंगे यहां पर, तो 16 अगस्त 2003 को आगरमालवा की स्थापना की गई। तो 51वां जिला जो बनाया गया था वो 16 अगस्त 2013 को बनाया गया था, जिसका नाम था आगरमालवा, और जिसे शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। तो आगरमालवा की स्थापना किस जिले से अलग करके की गई थी? शाजापुर जिले से अलग करके की गई थी। तो ये हमारा बन जाएगा कौन सा? 51वें नंबर का जिला। इसके बाद 2018 में, लगभग 5 साल, वो इलेक्शन टाइम पे लगभग सारी चीजें आती हैं। तो 2018 में यहां पर एक जिला बनाया गया, जिसका नाम था निवाड़ी, और निवाड़ी की स्थापना की गई थी, इसी के नीचे मिल जाएगा टीकमगढ़ से अलग करके। तो टीकमगढ़ से सेपरेट करके किसकी स्थापना की गई? तो 51वां जो जिला बनाया गया तो वो आगरमालवा था, और 52वां जो जिला बनाया गया था वो निवाड़ी बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया था? टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया था। यहां तक की कहानी क्लियर हुई सभी को? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो टोटल हमारे पास हो चुके हैं 52 जिले, 51वां जिला यहां पर बन जाएगा और 52वां जिला यहां पर आ जाएगा। इसके बाद 3 जिलों का सफर हमें और अभी तय करना है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो 52वें जिले के बाद 13 अगस्त 2023 को एक जिले की स्थापना की गई, वो था यहां पर मऊगंज जिला। तो मऊगंज की जो स्थापना थी वो इस क्षेत्र से सेपरेट करके की गई थी। तो रीवा जिले से सेपरेट करके मऊगंज की स्थापना की गई 16 अगस्त 2023 को। तो ये कौन से नंबर का जिला हो जाएगा हमारा? 53 नंबर का जिला। तो 53 नंबर पर किसकी स्थापना हो जाएगी? मऊगंज की। तो ये 53वां जिला हो जाएगा। इसके बाद जो छिंदवाड़ा वाला बेल्ट था, छिंदवाड़ा जिले को सेपरेट करके एक नए जिले का गठन किया गया यहां पर, जिसका नाम था पांडुर्णा। तो ये बेल्ट रहेगा पांडुर्णा का। तो पांडुर्णा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो हाँ, यहां पर एक चीज और याद रखना, जब हम मऊगंज की बात करते हैं तो मऊगंज क्योंकि बिल्कुल नया जिला, एक बार दोबारा से समझ लें, जब हम मऊगंज की बात करेंगे तो मऊगंज की स्थापना कब होगी? 13 अगस्त 2023 को। इसमें 3 तहसील आती हैं, एक तहसील का नाम है मऊगंज, दूसरी हनुमना और तीसरी है नईगढ़ी। तो इसमें 3 तहसील है, याद रखना। तो ये नई जिलों की तहसील पूछ ली जाती है। तो मऊगंज के अंदर मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी 3 तहसील आते हैं।
इसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को दो जिलों का गठन किया गया। लेकिन गजट में जब आप देखेंगे तो इन दोनों जिलों में सबसे पहला जो नंबर आता है 54वें नंबर का, वो पांडुर्ना का आता है। डेट सेम है, तो 54वां जिला वो बनेगा पांडुर्ना। पांडुर्ना की अगर हम बात करें तो पांडुर्ना में दो तहसील है, एक सौसर तहसील आती है इसके अंतर्गत और दूसरी पांडुर्ना तहसील आती है। नंदनगढ़ी नंदनवाड़ी जो है ये इसकी उप तहसील मानी जाती है, तहसील नहीं है, इसकी उप तहसील में आप इसको शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो 55वां जिला बनाया गया था सेम 5 अक्टूबर की डेट को, वो था मैहर। मैहर को सतना जिले से सेपरेट करके बनाया गया, तो ये हमारा मैहर का मैप होगा। सतना जिले से सेपरेट करके स्थापना की गई थी मैहर की। मैहर के अंदर भी तीन तहसील आती हैं, तो मैहर की अगर हम बात करें तो मैहर के अंदर भी तीन तहसील आती है, एक आती है मैहर तहसील, दूसरी आती है अमर पाटन तहसील और तीसरी आती है रामनगर तहसील। तो तीन तहसील हमारी मैहर जिले के अंतर्गत भी शामिल है। तो 53वां जिला होगा हमारा मऊगंज, 54वां जिला हो जाएगा छिंदवाड़ा और 55वां जिला हो जाएगा हमारा मैहर। तो इस तरीके से हमने पूरा सफर तय कर लिया 55 जिलों का। देखो एक बार शुरू से समझ ले पूरी की पूरी कहानी को। तो सबसे पहले 1956 में गठित किए गए 43 जिले, ठीक है, 43 जिलों के अंदर 37 जिले मध्य प्रदेश में थे, बाकी के जिले हमारे 6 जिले छत्तीसगढ़ में थे। फिर 1972 में एक जिला मध्य प्रदेश में ऐड किया गया और एक जिला छत्तीसगढ़ में ऐड हुआ। फिर 1998 में 4 जिले मध्य प्रदेश में ऐड हुए और 6 जिले छत्तीसगढ़ में ऐड हुए। फिर 1998 में जून, ये मई के महीने में था, ये जून के महीने में था, 3 जिले मध्य प्रदेश में ऐड हुए, 3 जिले छत्तीसगढ़ में ऐड हुए। इस तरीके से मध्य प्रदेश में 45 जिले हो गए, छत्तीसगढ़ में आपके 6 और 12 13 14 15 16 जिले हो जाते हैं। टोटल अगर हम देखेंगे तो 45 और 16 को ऐड करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 61 जिले होते हैं। इसके बाद 2000 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है और 61 में से 16 जिले चले जाते हैं छत्तीसगढ़ के पास। तो मध्य प्रदेश के पास जो फाइनली जिले बचते हैं वो हैं केवल 45 जिले। अब 45 से कैसे 55 हो गए, तो 45 के बाद 3 जिले हमने ऐड किए, ठीक है, 2003 में। इसके बाद 2 जिले ऐड किए हमने 2008 में, ठीक। तो 3 जिले यहां पर ऐड हुए, 2 जिले यहां पर ऐड हुए, तो 45 के बाद 48 और 49 50 जिले हमारे स्थापित हो जाते हैं। फिर एक जिला ऐड किया जाता है 2013 में, अगस्त 2013 में, तो जिलों की संख्या हो जाती है 51। इसके बाद फिर एक जिला ऐड किया जाता है हमारा मऊगंज 2023 में, और फिर 2 जिले ऐड किए जाते हैं 2023 में। तो इस प्रकार से जिलों की संख्या जो है 51, एक मिनट, तो 51 जिले से यहां से आगे देखते हो, तो जब 51 जिले हमारे बन चुके थे तो फिर हमें देखना है कि 52, 53, 54 और 55वां जिला कौन सा बनाया गया था। तो 55वां जिला जो है वो हमारा मैहर बनाया गया था, 54वां जो जिला था वो हमारा पांडुर्ना को बनाया गया था, और इससे जो पहले जिला बनाया गया था वो था मैहर, और इससे पहले जो जिला बनाया गया था वो शायद आपका निवाड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल हमारी 55 जिलों की स्थापना यहां पर होती है, ठीक है। तो एक बार मैं यहां पर देखो दिखा दे रहा हूं पूरे का पूरा मैप, तो जो हम देख चुके थे, देखो अब तो टोटल मध्य प्रदेश के अंदर जो 43 जिले थे उनमें 47 जिले मध्य प्रदेश के थे। अक्टूबर 1972 में जिसका नोटिफिकेशन सितंबर 1972 में आया था, तो 13 सितंबर 1972 को भोपाल का गठित नोटिफिकेशन आया था, 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले की स्थापना की गई। इसके बाद बी आर दुबे कमेटी की सिफारिशों के आधार पर टोटल 10 जिले बनाए गए, जिसमें 3-4 जिले मध्य प्रदेश में थे और 3 जिले 6 जिले छत्तीसगढ़ में थे। तो एक जिला था इसमें श्योपुर, दूसरा बड़वानी, तीसरा डिंडोरी और चौथा कटनी। तो ये 4 जिले बनाए गए थे मई 1998 में। फिर सिंह देवी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 4 जिले और गठित किए गए, जिसमें मई 1998 में नीमच की स्थापना की गई, मई 1998 में हरदा की स्थापना की गई, मई 1998 में उमरिया की स्थापना की गई। तो ये 1998 के 3 जिले बन गए। इसके बाद 2003 में अशोकनगर की स्थापना होती है, 2003 में ही बुरहानपुर की स्थापना होती है और 2003 में ही अनूपपुर की स्थापना होती है।
फिर 17 मई 2008 को अलीराजपुर की स्थापना की गई और 24 मई 2008 को सिंगरौली जिले की स्थापना की गई। 2013 में आगरमालवा की स्थापना होती है, 2018 में नीमच की स्थापना होती है, मंदसौरी निवाड़ी जिले की स्थापना होती है। और इसके बाद तो 53वां जो जिला बनाया जाता है वो मऊगंज 13 अगस्त 2023 को, और 54वां जिला बनाया जाता है 5 अक्टूबर 2023 को पांडुर्णा, और बिल्कुल लेटेस्ट 55वां जो जिला बनाया जाता है वो है हमारा मेहर। तो ये 55वां जिला बन जाएगा। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिलों की कहानी कंप्लीट होती है। अब यहां पर हम थोड़ा सा एक बार संभाग के बारे में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर टोटल संभाग कितने थे। तो मध्य प्रदेश के 1 नवंबर 1956 में टोटल 7 संभाग थे, जिसमें 5 संभाग मध्य प्रदेश में थे और 2 संभाग हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत थे, जिसमें इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और रीवा। तो ये संभाग हमारे कहां पर थे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत थे। तो मध्य प्रदेश में एक ग्वालियर संभाग यहां पर ऐड हो जाएगा, दूसरा यहां पर इंदौर संभाग था हमारा, तीसरा यहां पर भोपाल संभाग था, यहां पर जबलपुर संभाग था, ठीक है, और एक हमारा था यहां पर रीवा संभाग। तो ये 5 संभाग हमारे ऑलरेडी यहां पर मौजूद थे। इस जगह पर जो संभाग थे वो 2 थे, एक तो हमारा बिलासपुर वाला क्षेत्र था और दूसरा हमारा यहाँ पर रायपुर वाला क्षेत्र था। तो 2 संभाग हमारे किसके अंतर्गत थे, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत थे नवंबर 1956 को। इसके बाद एक नया संभाग बनाया जाता 1975 में, जिसको कहा जाता है सागर। तो सागर की नई स्थापना की गई 1975 में। इसके बाद 1977 में बनाया गया यहाँ पर उज्जैन संभाग, तो उज्जैन नया यहाँ पर एड हो गया। इसके बाद चंबल संभाग की स्थापना की गई यहां पर 1980 में, और यहां पर बनाया गया हमारा होशंगाबाद, जिसको वर्तमान में नर्मदापुरम भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से 4 संभाग हमारे और ऐड हो गए। तो स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश के पास थे 5 संभाग, 4-9 और ऐड हो गए, टोटल मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हो गए 9 संभाग। और इसी के साथ साथ इस साइड हमारे कितने संभाग थे, 2 संभाग। अब इसमें एक संभाग और ऐड हो गया जिसका नाम था बस्तर संभाग। तो इस साइड हो गए 3 संभाग, इस साइड हो गए 9 संभाग। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 9 और 3 12, तो टोटल हमारे पास कितने संभाग हो चुके थे, 12 संभाग। 3 संभाग छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में और 9 संभाग मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में शामिल थे। लेकिन टोटल जो छत्तीसगढ़ के संभाग थे, जिसमें 3 संभाग थे, तो ये 3 संभाग हमारे चले जाएंगे किसमें, छत्तीसगढ़ के पास, और मध्य प्रदेश के पास जो बचेंगे वो 9 संभाग। तो जब राज्य पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद 3 संभाग कौन कौन से, तो छत्तीसगढ़ का एक था बिलासपुर वाला बेल्ट, ये चला जाएगा, रायपुर वाला बेल्ट चला जाएगा और बस्तर वाला। तो ये 3 संभाग छत्तीसगढ़ के अलग हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के पास बचे हुए 9 संभाग शेष रहेंगे। अब टोटल मध्य प्रदेश के पास बचे हैं 9 संभाग। अब इसमें ऐड किया जाएगा हमारा 10वां संभाग। तो 10वां जो संभाग ऐड किया जाएगा वो होगा शहडोल संभाग। तो 10वां संभाग जो ऐड किया गया था वो था शहडोल संभाग। तो यहां पर ये बन जाएगा इस जगह पर शहडोल। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर अभी छिंदवाड़ा को डिवीजन बनाने का अभी मसौदा पास नहीं हुआ है, अभी तक वर्तमान में केवल 10 डिवीजन ही हमें यहां पर मिलते हैं। तो रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थे 1956 में। फिर हमने ऐड किया सागर, फिर ऐड किया होशंगाबाद, फिर चंबल, नर्मदापुरम और सबसे न्यूली ऐड हुआ हमारा शेड्यूल डिवीजन 2008 में। तो टोटल डिवीजन की संख्या हो गई हमारे पास 10। यहां पर कुछ पॉइंट याद रख लेंगे, होशंगाबाद वाज रीनेम्ड एज नर्मदापुरम 2008। तो यहां पर याद रखेंगे जो न्यू ऐड हुआ है वो शेड्यूल ऐड हुआ है 2008 में ही, और 2008 में ही यहां पर क्या किया गया, जो होशंगाबाद है इस होशंगाबाद का नाम बदला गया है नर्मदापुरम। तो ये कोई नया संभाग नहीं बनाया गया है, याद रखना संभाग पहले से था। तो जो 10वां संभाग बनेगा वो शहडोल होगा, तो 10वां संभाग शहडोल होगा ना कि होशंगाबाद। होशंगाबाद हमारा ऑलरेडी था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम। और पहले तो संभाग का ये संभाग चेंज किया गया, तो पहले तो संभाग को चेंज किया गया। संभाग चेंज करने के बाद जो होशंगाबाद जिला था, इस जिले का भी 2022 में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया।
तो द नेम ऑफ होशंगाबाद सिटी वॉज ऑल्सो चेंज इन द नर्मदापुरम इन फरवरी 2022। तो पहले संभाग का नाम चेंज किया गया था 2008 में, और 2008 में ही नया संभाग बना था हमारा शेड्यूल, तो 10वां संभाग होगा शेड्यूल, और 2008 में ही चेंज होगा इसका नाम नर्मदापुरम, और 2022 में होशंगाबाद सिटी का भी नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, नर्मदापुरम। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के सारे जिलों और संभागों की स्टडी की, किस तरीके से 1947 से 1956 तक का सफर तय किया, और 1956 से लेकर हमने किस तरीके से 2000 का सफर तय किया, और 2000 से लेकर किस तरीके से हमने वर्तमान की स्थिति को तय किया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर याद रखनी है। तो पहला जो सफर होगा वो हमारा 1947 से 1956 तक का होगा, दूसरा सफर आपको तय करना है 1956 से 2000 तक का, और तीसरा सफर तय करना है 2000 से लेकर 2024 वर्तमान तक का। तो 47 से 56 तक केवल आपको याद रखना है कि किस तरीके से रियासतों का एकीकरण किया गया, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, ये सारी रियासतों को मिलाकर किस तरीके से इन क्षेत्रों का गठन किया गया। और फिर हमें याद रखना है कि नवंबर 1956 के गठन के बाद इन सारी 79 रियासतों को मिलाकर टोटल 43 जिले और 7 संभाग मध्य प्रदेश में बनाए गए, और कुछ क्षेत्रों को जैसे महाराष्ट्र के 8 जिले हमने दे दिए, राजस्थान को से हमने सिरोंज तहसील को ले लिया, और अपने सुनील टप्पा को हमने राजस्थान को वापस कर दिया। तो कुल जो 43 जिले थे उनमें 37 जिले हमारे मध्य प्रदेश में थे, 6 जिले छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में थे। फिर हमने 2 जिलों का गठन किया गया 1972 में, फिर 10 जिले बनाए 1998 में, फिर 6 जिले बनाए 1998 में, तो टोटल हमारे पास जिलों की संख्या हो चुकी थी 61। फिर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय जो 16 जिले छत्तीसगढ़ में गठित हुए थे, तो वो सेपरेट छत्तीसगढ़ को कर दिया गया, मध्य प्रदेश के बाद पुणे जिलों की संख्या बचती है 45। इन 45 जिलों के बाद हमने 2003 में 3 जिले बनाए गए, जिसकी संख्या बढ़ाकर हमने कर दी 38। फिर 2008 में 2 जिले बनाए गए, संख्या हो गई हमारी 50। फिर हमने 2013 में 1 जिला बनाया गया जिसका नाम था आगरमालवा, 51वें नंबर पर। फिर हमने निवाड़ी की स्थापना की गई 2018 में 52वें नंबर पर। फिर 53वें नंबर पर हमने 2023 में मऊगंज की स्थापना की गई, और फिर 54वें नंबर पर हमने पांडुर्ना जिले की स्थापना की, और 55वें नंबर पर हमने मैयर जिले की स्थापना की। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 55 जिलों का आपको हिसाब किताब याद रखना है, और इसके साथ साथ 7 संभागों के बारे में भी याद रखेंगे। तो टोटल हमारे पास जो संभाग थे मध्य प्रदेश के गठन के समय वो थे हमारे पास 7 संभाग, जिसमें 5 संभाग मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में थे, 3 संभाग हमारे 2 संभाग हमारे छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में थे। फिर उसके बाद हमने उज्जैन संभाग को बनाया 1975 में, 1977 में हमने सागर संभाग को बनाया, फिर 1980 के अंदर हमने चंबल और होशंगाबाद संभाग को बनाया। तो टोटल हमारे पास संभागों की संख्या हो चुकी थी 9, और एक बस्तर संभाग हमने बना दिया था छत्तीसगढ़ में, तो 3 संभाग हो चुके थे छत्तीसगढ़ के अंदर। तो टोटल संभागों की संख्या हो चुकी थी हमारी 12। फिर 2000 के विभाजन के बाद 3 संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में चले गए, तो हमारे पास बकाया बचे 9 संभाग। और वर्ष 2008 में हमने शेड्यूल संभाग का स्थापना की, और संभागों की संख्या होती है 10, और 2008 में ही हमने होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया, और 2022 में फरवरी 2022 में नर्मदापुरम जिले का नाम भी बदलकर होशंगाबाद जिले का नाम भी बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। तो ये तो थी अभी तक की सारी कहानी, किस तरीके से जिले और संभागों का गठन किया गया। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।